बेटियों का विवाह हो गया, बेटों का विवाह हो गया, अब आपने बेटियों का विवाह भी कर लिया, बेटों का विवाह भी कर लिया, अब तो गृहस्थी छोड़ो साहब, अब तो भगवान में लगो। अब बुढ़ापे में तुम्हें और मोह माया सता रही है, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। इस मोह माया का कोई अंत नहीं है, इस मोह माया के चक्कर में ना पड़ा करो। जितना ज्यादा से ज्यादा त्याग कर सको त्याग करना सीखो। जीवन में सुख चाहते हो तो सुख त्याग में है। आजकल के लोग बूढ़े हो जाते हैं फिर भी कुछ भी नहीं छूट रहा है, यही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। छोड़ने की कोशिश कीजिए, छोड़िए सब चीज़ें धीरे धीरे। बेटी अपने घर चली गई खुश है, बेटा अपना कमाने खाने लगा, अब आप दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकलो और भगवान का चिंतन करो। एक महीने वृंदावन रुको, एक महीना जगन्नाथ जी, एक महीना बद्रीनाथ जी, ऐसे सारे तीर्थों में जा कर के फिर महीने दो महीने अपना घर में आकर के गुजारो बहुओं के संग। कम रहोगे घर में तो इज्जत बनी रहेगी, बहू बढ़िया बादाम का हलवा खवाएगी कम रहोगी तो, और घर पे ही पड़ी रहोगी तो अरे घर की मुर्गी दाल बराबर जाती नहीं। आप लोग खुद अपनी इज्जत कम कराते हैं, हम क्या करें। बुढ़ापा आ गया मतलब निकलो, भगवान का चिंतन करने तीर्थों में जाओ, समय बिताओ। आप लोग एक गलती करते हैं, सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं और पैसा कमा कमा करके अपने बच्चों को दे देते हैं। सारा पैसा बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, बच्चों को संस्कार दिया करो, टैलेंट दिया करो, योग्यता दिया करो। बेटा अपना कमा कर खाओ, कुछ पैसा बुढ़ापे में अपने पास बचा कर रखो ताकि उस पैसे से आप दान पुण्य करें, तीर्थ यात्रा करें, अपने धन से किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। अब आप लोग सारा तो दे देते हैं बच्चों को, और बुढ़ापे में जब आपको दान करने का मन होता है कि जरा सा दान पुण्य कर लें तो बेटों से मांगते हो बेटा जरा देना दान कर लें, तो बेटे कहते हैं इतना दान करोगे। तो इसलिए सावधान, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का सारा धन ले लेते हैं पर दान। मैं आपको बता चुका हूं कि आज की औलादें ऐसी हैं कि तुम मर जाओगे तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी तेरी भी बढ़िया से करें। क्यों जी, आजकल के कुछ बच्चे ऐसे हैं अपने माँ बाप की तेरी भी नहीं करते। बड़ा भाई कहता छोटे से तू कर ले, छोटा कहता बड़े से तू कर ले। बाप मरा पड़ा है, बाप के धन का सारा लोग, सारे लोग बाप के धन के हिस्सेदार मांग रहे थे, मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। लेकिन तेरी करने में, बाप के लिए कुछ दान पुण्य करने में सबके पसीने छूट रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग अपने बेटों के भरोसे ना बैठे रहना कि बेटा तेरी ही करेगा, अपनी तेरी ही कर करके ही मरिएगा। आप लोग अपनी तेरी ही अपने हाथ से कर लीजिएगा। मरने के बाद तेरा ब्राह्मण खवाते हो, जीते जी क्यों नहीं खवाते। क्यों जी, मरने के बाद ही तेरा ब्राह्मण पकड़ते हो, जीते जी खिलाओ ना, जीते जी पुण्य करो। मरने के बाद गई गौ दान करते हैं लोग, अरे जीते जी दान करो, अपने हाथ से दान करो। मरने के बाद तो जो बच्चे करेंगे तेरी ही इत्यादि, वो ठीक है करेंगे ही, उनका कर्तव्य है, करना ही चाहिए। कोरोना काल में जितने लोग मरे क्या उनकी तेरी ही सही समय पर हो पाई, बोल दो। कोरोना काल में जितने लोग मरे तेरी ही हो पाई, नहीं। इसलिए कहता हूं अपनी अपनी कर लो। ऐसा कभी समय आया तब आप लोग मरे तब कौन करेगा तेरी। इसलिए पुण्य बच्चों के भरोसे ना छोड़ो, अपना पुण्य, अपने पुण्य को तो अपने हाथ से करके चलो। वही पुण्य वही धर्म हमारे काम आएगा, वरना इस धरती का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। एक पुण्य हमारे संग चलता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पत्नी द्वार तक साथ देती है, परिवार शमशान तक साथ देता है, ये शरीर चिता तक साथ देता है। यहाँ से आगे तो आपका किया गया धर्म ही आपका संग देगा। जो अच्छा पुण्य किया होगा, अच्छा या बुरा, वो आपका संगी साथी बनेगा। इसलिए कर लो, जो करोगे अपने लिए करोगे, ना मेरे लिए, ना पड़ोसी के लिए, ना जमाने के लिए।